साथियों, उद्योगों के साथ साथ हमारे अन्नदाताओं के लिए भी देश के इतिहास की सबसे बड़ी योजना पीएम किसान सम्मान निधि आज जमीन पर उतर गई है। इस योजना का लाभ बिहार के 1.5 करोड़ से अधिक किसानों समेत देश के लगभग 12 करोड़ किसानों को होगा। ऐसे किसान जिनके पास 5 एकड़ या उससे कम जमीन है, उनको बैंक खाते में सीधी मदद मिलनी सुनिश्चित हुई है। अभी की स्थिति के हिसाब से ही देश के किसानों को इस योजना के माध्यम से हर वर्ष प्रति वर्ष 75,000 करोड़ रुपए सीधे उनके खाते में जमा होंगे। कोई बिचौलिया नहीं, कोई दलाल नहीं, कोई चोरी करने वाला नहीं। अब उन्हें बीज, खाद, कीटनाशक, चारा जैसी जरूरतों के लिए किसी से कर्ज नहीं मांगना होगा। साथियों, चारे के नाम पर क्या क्या हुआ है ये बिहार के लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। अब बिचौलियों से मुक्त सीधे बैंक खाते में पैसा जमा करने वाली ये प्रभावी योजना एनडीए सरकार ने, आपके इस चौकीदार ने, आपके इस चौकीदार ने शुरू की है। ये जो लूट खसोट, बेनामी प्रॉपर्टी और बिचौलियों की संस्कृति और बिहार और देश की राजनीति में दशकों से सामान्य हो चुकी थी, इसको बंद करने की हमने हिम्मत दिखाई। गरीब और मध्यम वर्ग के हक और पसीने की कमाई पर जो अपनी दुकानें चला रहे थे, वो अब चौकीदार से परेशान है। और इसलिए चौकीदार को गाली देने की कंपटीशन चल रही है। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। सुरक्षा चाहे गरीब की हो या सुरक्षा देश की, देश पर बुरी नजर करने वालों के सामने आपका ये चौकीदार और हमारे एनडीए गठबंधन दीवार बन करके खड़ा है। देश की रक्षा सुरक्षा गरीब, वंचित, शोषित, मध्यम वर्ग के हित में जितने भी मुश्किल, जितने भी बड़े फैसले लेने हैं, वो डंके की चोट पर लिए जा रहे हैं और आगे भी लिए जाएंगे। बीते 5 वर्षों में एनडीए की सरकार ने जितने ज्यादा गरीबों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया है, ये अभूतपूर्व है। साथियों, केंद्र की एनडीए सरकार ने करीब
50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त का इलाज की सुविधा से जोड़ा। लगभग 35 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुलवाए। लगभग 21 करोड़ को 2 लाख रुपए तक के दुर्घटना दिया। लगभग 7 करोड़ गरीब बहनों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिया है। 3 करोड़ से अधिक मध्यम वर्ग के साथियों को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर दिया काल दिया मुक्ति दे दी। 1.5 करोड़ से अधिक गरीबों को अपना पक्का घर दे दिया। 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को अटल पेंशन से जोड़ा है। इसी तरह सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण भी एनडीए की ही सरकार ने दिया है और ये काम भी बाकी वर्गों के हक को छेड़े बिना किया गया है। साथियों, ये जितनी भी उपलब्धियां अब तक मैंने गिनाई है ये तभी संभव हो पाया है क्योंकि 2014 में आपने एक मजबूत एनडीए को जनादेश दिया।